अब हम पेज नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, रीवैल्यूएशन मेथड। पेज नंबर 6 सूटेबिलिटी कंटिन्यू हो रही है। अरे भाई, रीवैल्यूएशन मेथड, ये प्रिंटआउट्स आपके पास होंगे, फिर आप ये सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, रिवैल्यूएशन मेथड में हमने कहा था कि जी ओपनिंग क्लोजिंग एसेट की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको रेप्रिसिएशन कह देते हैं। और हमने एग्जांपल में लूज टूल्स लिया था, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो देखें, रिवैल्यूएशन मेथड जो है वो, देखिए नॉन करेंट एसेट्स की दो किस्म तो मैंने आपको बता दी ना। एक तो वो नॉन करेंट एसेट्स हैं जिनका फ़ायदा कंसिस्टेंटली आपको मिल रहा होता है, और एक नॉन करेंट एसेट्स वो हैं जिनका फ़ायदा इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा होता है और फॉलोइंग स्टेज पे फॉलोइंग ईयर्स पे कम हो जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप याद कर लीजिएगा, समझ में तो आनी चाहिए आपको, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए समझने के लिए। करंट एसेट पाँच होते हैं, करंट एसेट की बात हो रही है। एक है इन्वेंट्री, एक है रिसीवेबल, एक है प्री पेमेंट, एक है बैंक, एक है कैश। इन पाँच के अलावा जो कुछ है ओ लेवल्स की हद तक सारे नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है जी, ओ लेवल्स की हद तक बात कर रहे हैं। अब वो जो नॉन करंट एसेट्स हैं, तो बिजनेसेस में कुछ नॉन करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू बड़ी स्मॉल होती है, बड़ी निग्लिजिबल होती है, एज़ कम्पेयर टू अदर नॉन करंट एसेट्स जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पावर जनरेटर है, वो जनरेटर तो 20 लाख का है, 22 मिलियन डॉलर्स का है, से फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन वो जनरेटर अगर ख़राब हो जाए या उसको उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उसको ठीक करने के लिए वो उसको ठीक करने के ठीक करेंगे ना, तो उसको ठीक करने के लिए उनके पास कुछ टूल्स होने चाहिए ना, जिन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो उसको ठीक करेंगे, ऐसा है ना। वो जो टूल्स हैं उनकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ मशीनरी, एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ मशीनरी, वो यकीनन कम होगी और बड़ी मेजर कम होगी। यानी अगर मशीन 2 मिलियन डॉलर्स की है तो लूज टूल शायद 20,000 डॉलर्स के भी ना हो, ठीक है ना। नहीं समझ में आई बात, लेमेंस लैंग्वेज में बात कर रहे थे। आपकी 50 लाख की गाड़ी है, उस 50 लाख की गाड़ी में जब आप डिग्गी खोलेंगे तो उसमें एक टॉर्चिंग डिवाइस होगी। अगर आप शक्की और वहमी हैं ज़्यादा, तो आपने एक अदद रस्सी भी रखी होगी कि अगर कहीं गाड़ी बंद हो जाए तो उसको टो करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो टॉर्चिंग डिवाइस चाहिए। एक अदद आपने टायर रखा होगा, उसको खोलने बंद करने के लिए आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है जी। तो गाड़ी की वैल्यू तो 50 लाख है, इन तमाम चीज़ों की वैल्यू कितनी होगी? 50 लाख तो नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ कार। इससे पता ही चलता है कि बिजनेस के पास बहुत सारे नॉन करेंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो टूल्स की फॉर्म में होते हैं, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वालों के पास होते हैं, जिन्होंने ओवरऑल बिजनेस को मेंटेन करना होता है। क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि आप सोचें ना, आप इसको और लेमेंस लैंग्वेज में बात करें, आपका एक स्कूल है जिसके अंदर 48 रूम्स हैं, ठीक है नहीं, 4 स्टाफ रूम हैं, 3 कैंटीन हैं, 4 ग्राउंड्स हैं, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। अब वहाँ पे उनका जो इलेक्ट्रिशियन होगा वो भी पेड होगा, उनके पेरोल पे होगा, प्लम्बर भी पेरोल पे होगा, और कंप्यूटर को ठीक करने वाले भी उनके पेरोल, यानी उनके एम्प्लॉयज़ होंगे। उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बाहर से बंदे नहीं बुलाएंगे ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर वो बाहर से बुलाने लगें तो इतने बड़े स्कूल में तो रोज़ मेंटेनेंस के इश्यूज आएंगे, तो बाहर से बुलाएं तो फिर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो वो अपने पास टूल बॉक्स रख लेते हैं, टूल्स रख लेते हैं, और अपने लोगों को हायर कर लेते हैं कि जी ये इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हमारे पेरोल पे है, वो उस स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के उस स्कूल की प्रेमिसेस में रहता है, और उसके पास टूल्स होते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है वो उन टूल्स के थ्रू उनको ठीक कर देता है। तो रिवैल्यूएशन मेथड उन लूज टूल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे हम ना। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर दोज एसेट्स दैट हैव नेग्लिजिबल फाइनेंशियल वैल्यू, दैट इज निग्लिजिबल फाइनेंस, जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू बड़ी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड एंड ओन्ड बाई द बिजनेस, दैट इज लूज टूल्स। इसकी एग्जाम्पल एक ही है, यही लिखनी है आपने, ओ लेवल्स में भी यही लिखनी है आपने, आगे भी यही लिखनी है, लूज टूल्स, दैट्स इट।
अच्छा जी, अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन की अजम्पशंस पे। डेप्रिसिएशन अजम्पशंस, ठीक है, डेप्रिसिएशन की अजम्पशंस पे आते हैं। अजम्पशंस का क्या मतलब है? क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि आपने जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है वो किस बेसिस पे करनी है। मैंने मेथड तो दिया हुआ होगा, ये सेंटेंसेस दिए हुए होंगे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ सेल, या ये ही पॉलिसी होगी अंग्रेजी उसकी, ये हो गई, दैट इज डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल एसेट्स दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, या यही अजम्पशन होगी और अंग्रेजी ये होगी, दैट इज डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल एसेट्स इवन दो बॉट पार्ट वे। इन तीनों का मतलब ये है कि अगर आपने कोई मशीन ख़रीदी है 2009 में जनवरी की फ़र्स्ट को, तो जनवरी की फ़र्स्ट से लेके 31 दिसंबर तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, लेकिन अगर आपने ख़रीदी है 1 जुलाई को तो भी पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और अगर 1 अक्टूबर को ख़रीदी है तो भी पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, इवन दो द एसेट्स आर बॉट पार्ट वे, ठीक है ना, ऑन ऑल एसेट्स दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर एक एसेट आपने 31 दिसंबर को ख़रीदा है लेकिन चूंकि वो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता है तो आप उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है ना, ये एक अजम्पशन है या एक पॉलिसी है जो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली स्टेटेड होगी। दूसरी क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, दैट इज प्रो पोर्शनेट बेसिस, दैट इज तमी से लिखते हैं, फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप। मतलब क्या हुआ इसका, असल में जब ये एप्लीकेशन करेंगे ना इसकी क्वेश्चंस में, तो ये पॉलिसीज़ आपको फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको 20-50%, 20-30-40% भी अगर ये ओके हो जाता है तो ये आज की सेशन के लिए ओके है। ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने जनवरी में ख़रीदा है तो दिसंबर तक पूरे 12 महीने हो गए, लेकिन अगर आपने जुलाई में ख़रीदा है तो डेप्रिसिएशन फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लगेगी, 6 महीने की लगेगी, यानी लॉस इन वैल्यू जब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 6 मंथ्स होगी, बिकॉज आपने जुलाई में एसेट ख़रीदा था, लेकिन अगर आपने सितंबर में ख़रीदा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर डिप्रिसिएशन यानी लॉस इन वैल्यू 4 मंथ्स की काउंट होगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस पे, फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप की बेसिस पे। ये दोनों पॉलिसीज़ में से कोई एक पॉलिसी एग्जाम में पेपर में आपको गिवन होगी। ये था पेज नंबर 6। फाइन, पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। अब हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, अब हम यहाँ पे एंट्रीज लिखना शुरू कर रहे हैं। हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड होती है और उसकी एक जनरल एंट्री पास होती है, और वो जनरल एंट्री पास होती है इनकम स्टेटमेंट डेबिट माइक खुला है ना, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन
क्रेडिट। ये एक एडजस्टिंग एंट्री है। इनकम स्टेटमेंट डेबिट इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस एंड वैल्यू ऑफ एसेट है, हमारा एक्सपेंस है, हमने अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमारा कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट है। एसेट बाय नेचर हमेशा डेबिट होते हैं, प्लांट मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट, इनकी वैल्यू हमेशा डेबिट होती है, हमने अपनी बुक्स में इनकी वैल्यू को कम करना है। इनके टी अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं करना बल्कि इनकी वैल्यू को बुक्स में कम करना है। सो वी नीड अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री एंड दैट कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री विल बी इन द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो एंट्री है, एक एंट्री है जो रिकॉर्ड करती है डेप्रिसिएशन को। अब हम आ जाते हैं डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स पर। अब ये जो एंट्रीज हैं ये मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, समझ में आपको ये नहीं आएंगी, समझ में उसी वक्त आएंगी जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन हम इस वीडियो में या एक आध वीडियो जो भी एडिटिंग होगी देखेंगे उसके बाद। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम एंट्रीज लिख रहे हैं। पहली एंट्री, जब कोई एसेट हम बेच देते हैं, ये फ्लो ऑफ एंट्रीज आपके पास होना चाहिए। जब भी हम डिस्पोजल क्वेश्चन करेंगे ये पेजेस आपके पास होंगे और ये पेजेस हम बार बार रेफर करेंगे, ये प्रिंट आउट के फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। इन केस ऑफ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, जब भी हम कोई नॉन करंट एसेट बेचते हैं एंट्री पास होती है डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट। और ये एंट्री जब हम पास करते हैं, ये एंट्री हम पास करते हैं विद द एक्चुअल कॉस्ट, नंबर टू। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन डिस्पोज्ड एसेट टू डिस्पोजल अकाउंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट। इसकी लॉजिक समझाने की कोशिश नहीं कर रहा मैं आपको अभी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट विद द टोटल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डिस्पोज्ड एसेट फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तीसरी, इन केस ऑफ कैश प्रोसीड्स अगेंस्ट सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट विथ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैश प्रोसीड्स। पेज नंबर था ये 7 और इस पर हमने 3 एंट्रीज डिस्पोजल की लिखी हैं। डिस्पोजल क्या है आपको बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं अभी, ठीक है जी। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसकी एक्सटेंशन वीडियोस होंगी, एक्सटेंडिंग वीडियोस, तो उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे पास ये पेजेस मौजूद हों। डिस्पोजल की 4th एंट्री हम लिख रहे हैं, इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। ये पेज नंबर था पेज नंबर 8। ठीक है, लॉस हो गया जी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट विद द बैलेंसिंग फिगर
ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। इन केस ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट विद द बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। ठीक चे सॉरी ठीक है, ये हमने कर लिया। एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट समझाने की कोशिश नहीं कर रहा मैं आपको, ये प्रिंट आउट के फॉर्म में आपके पास होगा, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सामने होना चाहिए। ये नॉन करंट एसेट आ गया, से फॉर एग्जांपल प्लांट मशीन व्हाटएवर। ये आ गया अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, ये आ गया कैश एंट्रीज का फ्लो जो है मैंने टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। ये है लॉस, एक क्वेश्चन में या तो लॉस होगा या गेन होगा, दोनों नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, या लॉस भी नहीं होगा या गेन भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। बहरहाल पास्ट पेपर में हमें एक एग्जांपल ऐसी मिलती है। ठीक है जी, पेज नंबर 8 ख़त्म हो गया। सो टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दीज 8 पेजेस एंड वॉच दिस वीडियो। इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा हम मिलेंगे इस पर तो करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।